हेलो क्लास 10। आज फिर से मैं अभिनंदन सर आपके सामने और आज लाया हूं आप लोगों के लिए और डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्यों पढ़ेंगे इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग और डिवीजन एल्गोरिथम को समझेंगे। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, फैक्टर पढ़ा, थ्योरम पढ़ा, ठीक है ना, और फिर उसको फैक्टर फाइंड करना सीखा पॉलिनोमियल्स में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जीरोस गिवन रहता है ना। सपोज करो जीरो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस होता है 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस 3 होता है। अगर उसमें एक जीरोस दिया रहे और दो जीरोस और फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे? तो आपके पास रास्ता निकलता है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो मतलब यही है कि आज का क्लास जो बेस्ड है डिवीजन एल्गोरिथम पे, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल हो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने भी हो, ठीक है, और कुछ जीरोस गिवेन हो और कुछ एक्स्ट्रा जीरोस फाइंड करना हो तो हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, ठीक है। मैं समझाया अभी, क्यूबिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरो 3 होता है। अगर एक जीरो दिया रहा है तो दो जीरो फाइंड करने के लिए डिवीजन एल्गोरिथम, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरो होता है ना, एक जीरो गिवेन है दूसरा जीरो फाइंड करने के लिए, फिर यही डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। तो इसको समझ लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम कैसे होता है, ठीक है, क्या होता है समझते हैं। मैंने लिखा भी है टॉपिक्स में डिवीजन एल्गोरिथम, इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स है पी एक्स और जी एक्स, ठीक है, दो पॉलिनोमियल्स है पी एक्स और जी एक्स, लेकिन कंडीशन भी है कि जी एस डजेंट इक्वल टू जीरो, जी एस जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स, समझ रहे हो, मतलब दो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, इसके बाद इसी से हम लोग दो पॉलिनोमियल क्यू एक्स और आर एक्स फाइंड कर सकते हैं। अब पूछोगे सर ये क्यू एक्स आर एक्स जी एक्स और पी एक्स क्या है, तो मैं याद दिलाता हूँ क्लास 9th में पढ़े थे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, कोशेंट होता है और रिमाइंडर होता है ना। तो ये जो है ना पी एक्स डिविडेंड है, जी एक्स डिवाइजर है, क्यू एक्स कोशेंट है और आर एक्स रिमाइंडर है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना। इसी तरह हम लोग यूज कर लिया क्या, सच दैट पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स, मतलब डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। सपोज कर लो ये आर एक्स जीरो है, अगर ये आर एक्स जीरो है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेगा, अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में रहता है तो वो दोनों फैक्टर बन जाता है जिसका मल्टीप्लाइड होता है ना। मतलब जी एक्स और क्यू एक्स अगर मल्टीप्लाई हो पी एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स, तो कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है या क्यू एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है, समझ रहे हो ना। अगर ये जीरो, ये पार्ट जीरो, तो बचा पी एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स, तो क्या कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर होगा और क्यू एक्स पी एक्स का भी एक फैक्टर होगा, सिंपल है। तो याद रखना है कि ये जो डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन होता है ना, सबसे बड़ा डिग्री किसका होगा, सबसे ज्यादा डिग्री होगा पी एक्स का, उसके बाद जी एक्स का और फिर क्यू एक्स का, और सबसे कम डिग्री होगा आर एक्स का, ठीक है। तो यहां मैंने लिख भी दिया है, और डिग्री वाइज देखा जाए तो डिग्री ऑफ आर एक्स का डिग्री हमेशा इससे कम होगा, मतलब जी एक्स से कम होगा, तो डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। इसी रिजल्ट को हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं, ठीक है।
हम लोग जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से, दिस रिजल्ट इज नोन एज द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इजी था, समझ में आया कि डिवीजन एल्गोरिथम का यूज जीरोस फाइंड करने के लिए करते हैं, इससे फैक्टर फाइंड होता है, एक्स्ट्रा फैक्टर निकाल करके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हम देखते हैं अब डिवीजन एल्गोरिथम पे के बेस पे क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा भी यहाँ पे, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x⁴ -3x³ -3x² +6x -2। ठीक है, इफ यू नोन दैट टू ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। देखो, जितना डिग्री होगा नंबर ऑफ जीरोज भी उतने ही होंगे, ये तो पता ही है। तो डिग्री कितना है इसका? डिग्री है इसका 4, तो नंबर ऑफ जीरोज होगा 4। लेकिन यहाँ डिग्री जीरोज कितना दिया हुआ है? 2 जीरोज दिया हुआ है, √2 एंड -√2। 2 जीरोज गिवेन है, 2 एक्स्ट्रा जीरोज हम लोग को फाइंड करना है, तो बस डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या करें ना, अगर ये दोनों जीरोज है तो इसका अपोजिट साइन क्या है? ये प्लस है तो -x -√2, नहीं, और ये माइनस है तो +x +√2। ये दोनों फैक्टर हो जाएगा किसका? px का। ये px हो गया, x -√2 एंड x+√2 आर द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, px का फैक्टर है, तो अगर फैक्टर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x -√2 इंटू x+√2, इसको लेट कर लिया gx, ये px और ये gx, तो इसको सॉल्व कीजिए पहले gx को, x² -√2 a -b a +b ना, a² -b स्क्वायर फॉर्मूला ऑफ सेट है, a -b ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -b², तो x² -√2 होल स्क्वायर, तो x² रह जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो x² -2, ये हो गया gx। अब मैंने px इसको लेट किया है, तो ये gx और px, एक बच गया क्या, qx, नहीं, gx है, px है, qx, तो पता ही है rx अगर 0 होता है, डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़े हैं, px इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स, जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स, जी एक्स गिवेन है, px गिवेन है, क्यू एक्स निकालने के लिए px में डिवाइड करना होगा ना, तो क्या हो जाएगा, px डिवाइडेड बाय जी एक्स, तो उसको लिखते हैं, यहां तक समझ लीजिए, मतलब ये लिख सकते हैं, नाउ ये ऊपर लिखेंगे ना, लिख देते हैं यहीं पे, नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डीए से मैं लिख दिया, तो क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स ना, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना तो पिछले क्लास में हम लोग ने सीखा भी है, और वीडियो भी इसका मैं दिया था, वीडियो भी बनाया था डिवाइड करने के लिए, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, समझ रहे हैं ना, और लाइव क्लास में प्रैक्टिस भी किए थे। अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, यहां तक कोई डाउट है तो एक बार देख लीजिए, ध्यान से समझिए, ठीक है, जहां नहीं समझ में आए वीडियो को पॉज करके देख लेना है, फिर भी नहीं समझ पाए तो फिर लाइव क्लास में हम लोग मिलते ही हैं। ठीक है, देखिए लास्ट स्टेप क्या था, पी एक्स को डिवाइड कर रहे थे किससे, जी एक्स से ना, तो क्या लिखे थे, पी एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स ना, तो ये जी एक्स है और ये पी एक्स है, ये पूरा पी एक्स है, ये जी एक्स हो गया और ये पूरा पी एक्स हो गया, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए प्रैक्टिस में करवाया हूँ, तो कैसे डिवाइड करेंगे देख लीजिए, 2x⁴ लाना है, x² में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 2x⁴ लाने के लिए
2x टू द पावर 4 लाने के लिए 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2x टू द पावर 4, और 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जा 4, ये माइनस 4x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होता है, ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस, तो 2x पावर 4, 2x टू द पावर 4, ये दोनों कैंसिल, ये इसका देखिए कौन सा टर्म है, ये दोनों सेम है, सेम क्वांटिटीज का है ना, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, ये रह गया एज इट इज, बाकी जो बचा उसको कॉपी कर देते हैं। अब इसको कैंसिल करना है माइनस 3x क्यूब को, तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस 3x क्यूब हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 6x, अब माइनस करेंगे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल, 6x 6x ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, रह गया क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो जिस टर्म में रहता है ना, लाइक टर्म ही प्लस माइनस होता है, यहां भी वही किया था, लाइक टर्म कौन सा था 4x स्क्वायर, ये इसको ऐसे रहने दिया था, ये सब प्रैक्टिस क्लास में हम लोग किए भी हैं, लाइक क्लास में भी, वीडियो क्लास में भी देखे थे, तो बच गया क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2, लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये तो 1 बार में कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 से डिवाइड कर दिया, 1 से 1 बार में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया 0। अब ये क्या आ गया, ये हो गया qx है इतना अभी, लेकिन ये तो 0 नहीं फाइंड हुआ है, ये qx फाइंड हुआ है। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो वो फाइंड हो जाएगा अदर जीरोस, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, कहीं कोई डाउट होता है तो बोर्ड को चेक कीजिए, कॉपी करना है तो नोट कर सकते हैं आप लोग, तो इसको मैं थोड़ा पॉज करता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है तो बच्चों आगे के स्टेप, जी एक्स को फैक्टराइज करना था, नहीं सॉरी जी एक्स से डिवाइड किए क्यू एक्स आया, क्यू एक्स को फैक्टराइज करना है, लेकिन उससे जीरोज भी फाइंड करना है ना हम लोगों को, तो क्या किया ना क्यू एक्स इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि इससे जीरोज फाइंड करना है, क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे कैसे, मिड टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे हम लोग, तो कैसे करेंगे मिड टर्म को स्प्लिट, जो कांस्टेंट टर्म है ना इसको लास्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इस क्या एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 2 माइंड में ही रखना है 2, ठीक है। अब मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे 3 को 2 पार्ट में तोड़िए, स्प्लिट कीजिए ताकि मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और प्लस या माइनस करने पर 3 आ जाए, तो कैसे करेंगे, तो माइनस टू माइनस वन 2 1 2 तो 2 तो आ ही जाएगा, और इसको जब प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस तो 3x आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब लोएस्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना सोचना नहीं है, तो इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, इस दोनों में 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन लिया तो बस ये क्या x माइनस 1, इसमें क्या कॉमन है माइनस 1 कॉमन है दोनों में, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1। अब ये देखो ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया तो मतलब ये पूरे टर्म में ये दोनों कॉमन है, इस पार्ट में और इस पार्ट में, इस दोनों में ये कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया रह गया ये, ठीक है। तो क्या हुआ एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1, यहां से जीरो फाइंड हो जाएगा ना, लिखेंगे If x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब इसको उधर कर दिया तो 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1, इसी तरह इफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, यही तो क्या x का वैल्यू 2-2 आया तो यही तो जीरोज हो जाएगा, क्या लिखेंगे, हेंस अनदर 2 जीरोज ऑफ ps इज इक्वल टू 1 and 1/2। आसान था, फिर से मैं स्टेप बताता हूं, करना क्या है, 4 डिग्री
का पॉलिनोमियल था डिग्री, ऐसा एक पॉलिनोमियल गिवेन था जिसका डिग्री 4 था, उसमें दो जीरोस दिया हुआ था, जो दो जीरोस दिया हुआ है वो उसका फैक्टर निकाल देंगे, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा जी एक्स, और जो पॉलिनोमियल दिया हुआ वो पी एक्स, पी एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स ऐसा करेंगे, जो फाइंड होगा वो कोशेंट हो जाएगा क्यू एक्स, अब क्यू एक्स को फैक्टराइज कर देंगे तो उससे एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है, जिस टर्म में रहे, अगर एक्स वेरिएबल है तो एक्स का वैल्यू फाइंड होगा, वाई वेरिएबल रहेगा तो वाई का वैल्यू फाइंड होगा, ठीक है, इस तरह से फाइंड हो जाएगा और वही आपका जीरोज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, उम्मीद करता हूं कि डिवीजन एल्गोरिथम अच्छे से समझ में आया होगा, तो फिर मिलते हैं लाइव क्लास में हम लोग, ठीक है।